नए रेसिपी की नोटिफिकेशन पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल को चुनें ताकि मेरा वीडियो मिले आपको सबसे पहले और सबसे तेज। देखिए ये उड़द की दाल है, इसको हमने रात भर भिगो के पानी में रखा है। इसको देखिए पूरी तरह अच्छी तरह से ये पूरा फूल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है ये। इसके ये मेरा छिलका वाला था, आप बिना छिलके वाला लीजिएगा क्योंकि छिलके वाले में परेशानी बहुत होती है। इसे मैंने सारे छिलके अलग कर ली है। अब इसको हम जार में डाल के पेस्ट बनाएंगे। इसके इसमें हम जार में डाल देंगे इस तरीके से। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा क्योंकि इसमें पानी ये जो है इसी से आपको अच्छी तरह से पिसा जाएगा। पूरा पतला नहीं पिसिएगा, गाढ़ा पीसिएगा, मैं आपको दिखा दूंगी। इसमें देखिए थोड़ा पानी हम डालेंगे, करीब 4-5 टीस्पून पानी डालेंगे और इसे हम पीसेंगे। बीच बीच में हम इसे चम्मच से इस तरीके से ऊपर से नीचे ऊपर नीचे कर देंगे हम थोड़ा ये, और फिर से ढक्कन बंद करके फिर से इसको हम पेस्ट बनाएंगे। पतला पानी नहीं डालेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये पूरी अच्छी बैटर है, ये अच्छी तरह से बैटर है, पिसा गया ये। हमें इसी तरह के थिक बैटर बनाने हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल इस तरीके बैटर बनाने हैं, बिल्कुल थिक। ये परफेक्ट एकदम हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारे हम पीस लेंगे, बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने पीस लिए है, बिल्कुल ठीक है ये। ये देखिए सारे हमने पीस लिए हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने सारे पीस लिए हैं। इस पूरा एकदम बैटर ऐसा होना चाहिए, ठीक एकदम। थोड़ा थोड़ा पानी दे करके अपना जार में पीस लीजिए। इस तरीके से हाथ से अच्छी तरह से इसे हम खूब फेंट लेंगे, खूब फेंट देंगे इसको हाथ से। देखिए हमने इसे खूब एक ही साइड से राउंड करके इसे हमने फेंट लिया है 20 से 25 मिनट। जितना आपका फेंटा हुआ बैटर होगा उतना ही आपका बढ़िया बड़ा बनेगा। इसमें आप इनो भी ऐड कर सकते हैं, सोडा ऐड कर सकते हैं, इससे आपका सॉफ्ट एकदम मुलायम बड़ा बनेगा। पर मैं वो सब नहीं डालूंगी, मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। इसमें कड़ी पत्ता, जीरा और मिर्ची इसको हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से मिर्ची डालिएगा। अब स्वाद अनुसार इसमें हम नमक को ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे या चम्मच से भी कर लेंगे। आपको इसमें प्याज अगर अच्छा लगता है तो चॉपर करके आप प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। ऐसा होता है ना, हाथ से डालते तो हाथों में लग जाती है और डर भी हमें लगता है कि तेल चिपक ना जाए हाथ में। तो आज मैं आपको इस गिलास पे इस इधर रख करके बना करके आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे बनाते हैं। इस पे थोड़ी सी पानी लगाएंगे और हाथों में पानी लेंगे और इसमें से बैटर लेंगे, इस पे रखेंगे और इसे बीच में होल करेंगे और इसे लेकर के इस तरीके से गिरा देंगे। देखिए फिर इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। ज्यादा मत डालिएगा इसमें, जितना कढ़ाई में आए बस 3 या 4 ही डालिएगा, उससे ज्यादा मत डालिएगा। इसे हाथों से भी बना सकते हैं, हाथ में पानी लगाइए और थोड़ा बैटर लीजिए, इस तरीके से गोल कीजिए और बीच में होल कीजिए इस तरीके से, और इस तरीके से आप डाल दीजिए। सारे इसी तरीके से डाल दीजिए आप, जब तक तेल में ऊपर ना तैरने लगे। जब ऊपर तैरने लगे ना तो आप इसे पलट दीजिए। अगर ना तैरे, थोड़ी सी चिपक भी जाए तो आप छोलनी से उसे हटा भी सकते हैं। अब देखिए हो चुका है, अब इसे हम
पलट देंगे। देखिए तैर रही है ये, अब इसे हम पलट देंगे। इस तरीके से सारे पलट देंगे। देखिए सारे के सारे तैर रहे हैं तेल में, सभी को पलट देंगे इस तरीके से, और धीमे आंच पे ही इसे हम पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, गैस को मीडियम रखेंगे। सारे को इसी तरह से हम तल लेंगे। देखिए मैंने सारे तल लिए हैं उसी प्रोसेस से, अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए ये चटनी है, बादाम की चटनी है ये, और ये कारा चटनी है ये। आप इन दोनों के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा आपको बड़ा खाने में। मजेदार की है चटनी ये, आप सांभर के साथ भी बड़ा खा सकते हैं।